शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ब्रह्म गैंग के मास्टरमाइंड, तुम्हें भी पैसे चाहिए ना? बाहर निकलो। विकी, वो पैसों का लिंक मुझे दे दे। ओहो प्रोफेसर साहब, पूरा भ्रम गैंग लेकर आए हो। ले लो इससे। प्रोफेसर आगे मत बढ़ना, वरना मैं ये बटन दबा दूंगा और सारा का सारा पैसा अनवर राजा के अकाउंट में वापस चला जाएगा। इस गेम में दो अलग अलग टीम्स थी, टीम भ्रम गैंग यानी प्रोफेसर, फ्लॉपी और पैंचो। लेकिन सिद्धांत, तूने अपनी टीम बना के गेम खेलनी कब शुरू की? दो हैकर मरे, मेरी मोटी बुद्धि में एक बात आई, हैकिंग यानी पैसा। हमारे यहां कहावत है, ईमान तब हिलाओ जब बात 100 करोड़ की हो। इन्वेस्टिगेट करते करते मैं पहुंचा बबलू के पास। उस बैंक में करप्ट पावर ब्रोकर अनवर राजा का अकाउंट, जिसमें उसके 1000 करोड़ से भी ज्यादा 2 नंबर के पैसे जमा है। जब इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर बबलू से भी अकाउंट हैक नहीं हो पाया, तो इसने ऑनलाइन भ्रम गैंग की मदद ली। लेकिन इन लोगों ने उसी का ईमेल हैक करके उसकी सारी इंफॉर्मेशन चुरा ली। जब भ्रम गैंग भी अनवर राजा का अकाउंट हैक नहीं कर पाया, तो इन्होंने विदेशी हैकर्स को बुलाया। पर इतनी दूर क्यों बुलाया? Come on, Mickey. Don't be a bad student. उन्हें इंडिया बुला के हैकिंग करवाई ताकि कल चोरी की इंक्वायरी हो, तो ये करप्ट पॉलिटिशियंस उसे मीडिया की डर से दबा देंगे। पर एक चोर दूसरे चोर का विश्वास कैसे करता है? उन हैकर्स के फेल होने पर उनको वापस भेजने का तो ऑप्शन ही नहीं था इनके पास। ऑप्शन नहीं था तो मार दिया। तू ये काम भ्रम गैंग से भी करवा सकता था, तो मैं क्यों? जो खुद विदेश से हैकर आउटसोर्स कर रहे थे, तो मेरे लिए क्या करते? और तूने इनकी इतनी सिक्योर साइट को 1 मिनट में हैक करके ये साबित कर दिया कि मैंने सही घोड़े पर दाव लगाया। बस तेरा थोड़ा केस स्टडी करना पड़ा, क्योंकि तेरे फंडे थोड़े अलग है ना। मैं किसी के लिए और किसी के साथ काम नहीं करता। पढ़ने आपने क्या है जनाब? मुझे लगा कि सबसे पहले तो तेरे इस मन का कुछ करना पड़ेगा। और तूने कमाईनी को भेजा? सही मौके पर आई थी बेचारी। मुझे जाने दो, मैं ये जेल कोर्ट में नहीं फंसना चाहती। सो प्लीज, आप जो बोलेंगे वो करने को तैयार हूँ मैं। तूने कमाईनी को यूज किया और बबलू को लगा दिया उसके पीछे नजर रखने के लिए। जरूरी था, ये प्यार नाम का वायरस होता ही बड़ा गड़बड़ है, और इसी का प्रेशर मैंने तुझ पे यूज किया। एक बार तुझे गर्लफ्रेंड के लिए एनिवर्सरी की पार्टी देने की जल्दी थी, और दूसरी बार उसकी नौकरी बचाने का प्रेशर। अगर उन्हें पता चला तो मेरी नौकरी। कमाईनी मुझे लिख दो यार। बहुत सही यूज किया तुमने अपना पुलिस का दिमाग। ऐसे भी यहाँ हम साले किताबी कीड़े बाहर से लगे पड़े थे बैंक को हैक करने में, वहां तूने उसे मुर्गा बनाया और बैंक के अंदर लेके यहाँ से बैंक के फायरवॉल्स को तोड़ना कंपैरेटिवली इजी था। और तूने सही जगह पे लाके मुझ पे ऐसा प्रेशर डाला कि मैं बैंक की इतनी सिक्योर साइट हैक करूं। इस जनरेशन की यही प्रॉब्लम है, जब तक प्रेशर अप्लाई ना करो परफॉर्म ही नहीं करते। और वही प्रेशर कमाईनी के मरने के बाद तूने मुझ पे डाला, ये जानते हुए भी कि कमाईनी का खून मैंने नहीं किया। कमाईनी के मरते ही मेरा सारा प्लान बिगड़ गया। अब ना मुझे पता था पैसा कहाँ है और ना ही भ्रम गैंग के इन गेमर्स को। मुझे बस इतना पता था कि ये पैसा तू ट्रैक कर सकता है। और मैं ये सोचता रहा कि अगर मुझे अपने आप को बचाना है तो मुझे सबसे पहले 100 करोड़ ढूंढने होंगे। बहुत पापड़ बेले हैं मैंने 100 करोड़ के लिए, ये पैसा तो मैं नहीं छोड़ूंगा।
पैसे से मत देना, ये तुझे मार डालेगा। तुम्हें दे दूं प्रोफेसर, तुम मुझे छोड़ दोगे? अरे इससे बड़े फ्रॉड तो तुम हो। हाँ हूँ, बनना पड़ा, क्या करता। एक हार्वर्ड जीनियस की इस देश में क्या कदर है, घंटा। एक वीडियो को डाउनलोड होने में मिनटों लग जाते हैं, और ये साले अनवर अहद जैसे पॉलिटिशियंस अपनी जेब में 100 करोड़ 1000 करोड़ दबाए बैठे। इज इट फेयर? इज इट? तो इसका मतलब चुरा लो। अब चोर के घर में चोरी करने में बुराई क्या है, इन्होंने भी तो पब्लिक से चुराया है। ये पैसा इसके पास नहीं जाना चाहिए मिकी। मिकी पैसे कहाँ बता दे, वरना मैं तुझे मार दूंगा। तूने पैसा इसको दिया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मिकी क्या वो स्लाइमी वायरस? ये साला वॉलपेपर लगा के हमारी सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा है। चलो क्या करेगा वायरस, तेरा फुंतरू तो गया। अब क्या मेरे मरने के बाद आओगे? अब तो आ जाओ। अरे आ गए भाई। बल्ला पकड़ लो साले को। इतना समझाया मैंने आपको, लेकिन ये कीड़ा समझ नहीं आया ना आपके। सॉरी भाई, मिक्की बहुत देर से आने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये इतनी गोलियां चल गई ना यहाँ पे गन पाउडर से ना, मुझे एलर्जी है, छींके लग जाती है भाई, गॉड बता रहा हूँ, बुरा ना मनाइए तो एकदम। जनाब ये वायरस जो है अपने एंटीवायरस का जुगाड़ पहले से करके आया था। आपके सारे के सारे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण चल रहा है यूट्यूब के ऊपर, अब तक तो आधा दर्जन हिट भी आ गए होंगे जनाब। सो बेसिकली यू आर स्क्रूड, हिंदी में आप लोगों की लग चुकी। जनाब मैं तो इसी को धरने के लिए गया था लड़की के घर पे। मतलब इस पूरे गेम में तुम इन्वॉल्व नहीं हो? मैं ना घुसंड दे दूंगा तेरे साले, मुझ पे शक कर रहा है तू? इस लड़की का फोन आया था मुझे, कोई सीक्रेट बताना चाह रही थी, उसके बाद पलट के फोन नहीं आया तो मैंने भी इंटरेस्ट नहीं लिया। तो बैठ बैठा, तू क्या खिचड़ी पका रहा है? हेलो भल्ला, आप पूरा गेम जानना चाहते हो ना? किसने कही जनाब कि एक घंटा दे तो सारी की सारी पोल खोल दूंगा? यहाँ तो पूरा का पूरा पिटारा खोल के बैठा हुआ है। एक बात बोलूं प्रोफेसर,
तुझ जैसे इंटरनेट के कीड़े से तो ना हम डायल अप नेटवर्किंग वाले ज़्यादा बेटर हैं। तो क्या फ़ायदा हुआ इतना पढ़ लिख के अगर चोरी पढ़ना है तो। और याद रखियो घमंड ते रावण के नहीं रहा, तू है के चीज। मेरा लौंडा बहुत बड़ा फैन है जनाब आपका, हमेशा कहता है डैडी अगर पुलिस वाला होना तो आप जैसा नहीं आपके जनाब जैसा होना चाहिए। मुझ जैसा तो वो बनना नहीं चाहता जनाब, और आप जैसा उसको मैं बनने नहीं दूंगा। जनाब आगे बैठोगे या पीछे?